मैं उन्हीं से पूछना चाहती हूँ बिहार सरकार से कि आप एक बिहार के बेटा पे तो FIR कर दिए, NSA लगा दिए, लेकिन तमाम प्रिंट मीडिया पे क्यों नहीं लगाए जो पहले ये मुद्दा को छापा था? क्यों आपकी हैसियत नहीं थी? पत्रकार मनीष कश्यप के जितने भी समर्थक भाई लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी इस वक्त निकल कर आ रही है। पत्रकार मनीष कश्यप को आज पूरे 4 महीनों से तमिलनाडु सरकार अपने पास जेल में बंद रखा है, लेकिन उसके पीछे की वजह कोर्ट में वह नहीं बता पाया है। जी हाँ दोस्तों, पत्रकार मनीष कश्यप को आखिर 4 महीने से वह ठोस कौन सा कारण है जिसकी वजह से वह तमिलनाडु की जेल में बंद रखा है, वह कोर्ट को तमिलनाडु सरकार अब तक नहीं बता पाया है, जिसकी वजह से पत्रकार मनीष कश्यप के नाम से NSA एक्ट बहुत जल्दी हटा दिया जाएगा, क्योंकि पत्रकार मनीष कश्यप के नाम पर NSA एक्ट लगे हुए पूरे 3 महीने हो चुके हैं और यह एक्ट पूरे 3 महीनों का ही होता है। तेजस्वी यादव और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से खेल खेला है पत्रकार मनीष कश्यप के साथ, अब उनकी उल्टी गिनती शुरू होने वाली है, क्योंकि पत्रकार मनीष कश्यप के सपोर्ट में BJP पार्टी उतर चुकी है। पत्रकार मनीष कश्यप जेल से बहुत जल्दी छूटने वाले, क्योंकि बेतिया न्यायालय में उनको पेश करने के दौरान तमिलनाडु सरकार कोर्ट में कोई पुख्ता सबूत पेश नहीं कर पाया, जिसकी वजह से पत्रकार मनीष कश्यप को जेल में बंद रखना यह नाइंसाफी वाली बात हो जाएगी। इसलिए पत्रकार मनीष कश्यप अब बहुत जल्दी बिहारी भाइयों के समक्ष आने वाले हैं, बिहार के ग्राउंड रिपोर्ट पर आने वाले हैं और हम लोगों के बीच आने वाले हैं। दोस्तों, पत्रकार मनीष कश्यप अगर आज जेल से रिहा हो रहे हैं तो केवल मात्र बिहार के जितने भी समर्थक भाई लोग हैं उनकी वजह से, क्योंकि पत्रकार मनीष कश्यप के जितने भी समर्थक भाई लोग हैं उनके किसी भी वीडियो को या फिर ऑफलाइन के माध्यम से जन प्रदर्शन रैलियां को वह शांतिपूर्वक ढंग से उनका आह्वान किए थे, उनके वीडियो को हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Facebook WhatsApp पर शेयर किए थे, जिसकी वजह से पत्रकार मनीष कश्यप का मामला जेल में होने के बावजूद भी वह ट्रेंड करता रहा। हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर केवल मनीष कश्यप की ही बातें चलती रही, जिसकी वजह से इन नेता और सरकार को भी झुकना पड़ा और हम लोगों का बिहार का लाल बहुत जल्द ही रिहा होने वाला है, क्योंकि वह कोई गुनाह ही नहीं किया था कि उसको इतने दिनों तक जेल में रखा जाए। इस वक्त दोस्तों पत्रकार मनीष कश्यप को आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप लोगों को जितना हो सके इस वीडियो को, केवल मेरे ही वीडियो को नहीं बल्कि हर एक वीडियो को मनीष कश्यप को लाइक कीजिए और उसको शेयर कीजिए और उसके नीचे उनके लिए प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए कि आप लोग भी पत्रकार मनीष कश्यप को आने वाले बिहार के मुख्यमंत्री के चुनाव में उनको मुख्यमंत्री बनना देखना चाहेंगे या फिर नहीं, इस वीडियो के नीचे कृपया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।